और अब हम पढ़ेंगे जबूर 106, खुदावंद की भलाई और इज़राइल की मुखालफत। खुदावंद का हमद करो, खुदावंद का शुक्र करो, क्योंकि वो भला है। कौन खुदावंद की कुदरत के कामों का बयान कर सकता है या उसकी पूरी सिताई सुना सकता है? मुबारक है वो जो अदल करते हैं और वो जो हर वक्त सदाकत के काम करता है। ऐ खुदावंद, उस कर्म से जो तू अपने लोगों पर करता है मुझे याद कर, अपनी नजात मुझे इनायत फरमा, ताकि मैं तेरे बरगुजीदों की इकबाल मंदी देखूं और तेरी कौम की साद मनी में साद रहूं और तेरी मीरास के लोगों के साथ फकर करूं। हमने और हमारे बाप दादा ने गुनाह किया, हमने बदकारी की, हमने शरारत के काम किए, हमारे बाप दादा मिस्र में तेरे अजाइब ने समझे और उन्होंने शफकत की कसरत को याद न किया, बल्कि समुद्र पर यानी बहरे कुलजूम पर बागी हुए, तो भी उसने उनको अपने नाम की खातिर बचाया ताकि अपनी कुदरत जाहिर करे। उसने बहरे कुलजूम को डांटा और वो सूख गया, और वो उनकी गहराइयों में से ऐसे निकल ले गया जैसे बियाबान में से, और उसने उनको अदावत रखने वाले के हाथ से बचाया और दुश्मन के हाथ से छुड़ाया। समुंदर ने उनके मुखालफिक को छुपा लिया, उसमें से एक भी न बचा। तब उन्होंने उनके कोल का यकीन किया और उनकी मदसराई करने लगे, फिर वो जल्द उनके कामों को भूल गए और उसकी मसवरत का इंतजार न किया, बल्कि बियाबान में बड़ी हरस की और सहरा में खुदा को आजमाया। सो उसने उनकी मुराद तो पूरी कर दी पर उनकी जान को सुखा दिया। उन्होंने खेमगा में मूसा पर और खुदावंद के मुकद्दस मरद हारून पर हसद किया। सो जमीन फटी और दातन को निगल गई और अबिराम की जमात को खा गई और उनके जत्थे में आग भड़क उठी और सोलों ने शरीर को भस्म कर दिया। उन्होंने होरीब में से एक बछड़ा बनाया और ढाली हुई मूरत को सिजदा किया। यूँ उन्होंने खुदा के जलाल को घास खाने वाले बैल की शक्ल में बदल दिया। वो अपने मुंजी खुदा को भूल गए जिन्होंने मिस्र में बड़े बड़े काम किए और हाम की सरजमी में अजाइब और बहरे कुलजुम पर दहशत अंगेज काम किए। इसलिए उसने फरमाया, मैंने उनको हलाक कर डाला, अगर मेरा बरगुजीदा मूसा मेरे बीच में न आता तो मेरे कहर को टाल दे, ता न हो कि मैं उसके हलाक करूं। और उन्होंने उसके सुहाने मलक को हकीर जाना और उसके कोल का यकीन न किया, बल्कि वो अपने डेरों में बड़बड़ाए और खुदावंद की बात न मानी। तब उसने उनके खिलाफ कसम खाई कि मैं उसको बियाबान में पस्त करूंगा और उनकी नस्ल को कौमों के दरमियान गिरा दूंगा और उनको मुल्क मुल्क में तितर बितर करूंगा। वो बाल फगूर को पूजने लगे और बुतों की कुर्बानियों को खाने लगे। यूँ उन्होंने अपने आमाल से उसको खुशमनाम किया और वबा उसमें फूट निकली। तब फिनहास उठा और बीच में आया और वबा रुक गई और ये काम उसके हक में पुस्त दर पुस्त हमेशा के लिए रासबाजी गिना गया। उन्होंने उसको मरीबा के चश्मे पर भी खशम ना किया और उनकी खातिर मूसा को नुकसान पहुंचा, इसलिए कि उन्होंने उनकी रूह से सरकसी की और मूसा अबे सोचने लगा। उन्होंने उन कौमों को हलाक नहीं किया जैसा खुदावन ने उनको हुक्म दिया था, बल्कि उन कौमों के साथ मिल गए और उनके से काम सीख गए और उनके बुतों की परिस्त करने लगे और जो उनके लिए फंदा बन गए, बल्कि उन्होंने अपने बेटे बेटियों को सयातीन के लिए कुर्बान किया और मामूसों का यानी अपने बेटे बेटियों का खून बहाया जिनको उन्होंने कनान के बूतों के लिए कुर्बान कर दिया,
और मुल्क खून से नापाक हो गया। यूं वो अपने ही कामों से आलूदा हो गए और अपने फेलों से बेवफा बने। इसलिए खुदावंद का कहर अपने लोगों पर भड़का और उसे अपनी मीरास से नफरत हो गई और उसने उनको कौमों के कब्जे में कर दिया और उनसे अदावत रखने लगी और उन पर हुक्राम हो गए और उनके दुश्मनों ने उन पर जुल्म किया और वो उनके महकूम हो गए। उसने तो बारहा और उनको छुड़ाया लेकिन उनका मशवरा बागियाना ही रहा और वो अपनी बदकारी के बायस पस्त हो गए। तो भी जब उसने उनकी फरियाद सुनी तो उनके दुख पर नज़र की और उन्होंने उनके हक में अपने अहद को याद किया और अपनी शफक्कत की कसरत से मुताबिक तरस खाया। उसने उनको असीर करने वालों के दिल में उनके लिए रहम डाला। ए खुदावंद हमारे खुदा, हमको बचा ले और हमको कौमों में से इकट्ठा कर ले ताकि हम तेरे कुदूस नाम का शुक्र करें और लहराते हुए तेरी सिताइश करें। खुदावंद इज़राइल का खुदा अजल से अबद तक मुबारक हो और सारी कौम कहे आमीन। खुदा की अहमद हो। अब हम पढ़ेंगे जबूर 107, मुसीबत से नजात। खुदावंद का शुक्र करो क्योंकि वह भला है और उसकी शफक्कत आबदी है। खुदावंद के छुड़ाए हुए यही कहे जिनको उसने फिदिया देकर मुखालिब के हाथ से छुड़ा लिया और उनको मुलक मुलक से जमा किया, पूर्व से, पश्चिम से, उत्तर से और दक्षिण से। वो बियाबान में सहरा के रास्ते पर भटके फिरे, उनको बसने के लिए कोई शहर न मिला। वो भूखे और प्यासे थे और उनका दिल बैठा जाता था। तब अपनी मुसीबत में उन्होंने खुदावंद से फरियाद की और उसने उनको उनको दुखों से बख्शा और वो उनको सीधी राह पर ले गया ताकि बसने के लिए किसी शहर में जा पहुँचे। काश के लोग खुदावंद की शफाकत की खातिर और बनी आदम के लिए उनके अजायब की खातिर उनकी सिताइश करते, क्योंकि वो तरकसी जान को शेर करता है और भूखी जान को मेमतों से माला माल करता है। जो अंधेरे और मौत के साए में बैठे, मुसीबत और लोहे से जकड़े हुए थे, चूँकि उन्होंने खुदा के कलाम से सरकसी की और हक ताला की मशक्कत को हकीर जाना, इसलिए उन्होंने उनका दिल मशक्कत से आजीज कर दिया। वो गिर पड़े और कोई मददगार न था। तब अपनी मुसीबत उन्होंने खुदावंद से फरियाद की और उसने उनको उनके दुखों से रिहाई बख्शी। वो उनको अंधेरे और मौत के साए से निकाल लाया और उनके बंधन तोड़ डाले। काश के लोग खुदावंद की शफक्कत की खातिर और अपनी बनी आदम के लिए उनके अजायब की खातिर उनकी सिताइश करते, क्योंकि उसने पीतल के फाटक तोड़ दिए और लोहे के बेड़ों को काट डाला। अहमक अपनी खताओं के सबब से और अपनी बदकारी के बाइस मुसीबत में पड़ते हैं। उनके जी को हर तरह के खाने से नफरत हो जाती है और वो मौत के फाटकों के नज़दीक पहुंच जाते हैं। तब वो अपनी मुसीबत में खुदावंद से फरियाद करते हैं और वो उनको ये दुखों से रिहाई बख्शता है। वो अपना कलाम नाजिल फरमाकर उनको शिफा देता है और उनको उनकी हलाकत से रिहाई बख्शता है। काश के लोग खुदावंद की शफक्कत की खातिर और बनी आदम के लिए उनके अजायब की खातिर उनकी सिताइश करते। वो शुक्रगुजारी की कुर्बानियाँ गुजराने और गाते हुए उसके कामों को बयान करे। जो लोग जहाज़ों पर बहर पर जाते हैं और समुंदर पर कारोबार में लगे रहते हैं, वो समुंदर में खुदावंद के कामों को और उनके अजायब को देखते हैं, क्योंकि वो हुक्म देकर तूफानी हवा चलाता है जो उसमें लहरें उठाती है। वो आसमान तक चढ़ते और गहराओं में उतरते हैं, परेशानी से उनका दिल पानी पानी हो जाता है। वो झूमते और मतवाले की तरह लड़खड़ाते और हवास बाखता हो जाते हैं। तब वो अपनी मुसीबत में खुदावंद से फरियाद करते हैं और वो उनको उनके दुखों से रिहाई बख्शता है। वो आंधी को थमा देता है और लहरें माखूब हो जाती है। तब वो उनके थम जाने से खुश होते हैं। यूं वो उनको बंदरगाह है मकसूद तक पहुंचा देता है। काश के लोग खुदावंद की शफक्कत की खातिर और बनी आदम के लिए उनके अजायब की खातिर उनकी सिताइश करते। वो लोगों के मजमे में उनकी बड़ाई करे
और बुजुर्गों की मजलिस में उनका हम मद। वो दरियाओं को बियाबान बना देता है और पानी के चश्मे को खुश्क जमीन, वो जरखेज ज़मीन को सहराए शोर कर देता है, इसलिए कि उसके बासिंदे शरीर है। वो बियाबान को झील बना देता है और खुश्क ज़मीन को पानी के चश्मे, वहाँ वो भूखों को बरसाता है ताकि बसने के लिए शहर तैयार करें और खेत बोएं और ताकिस्तान लगाएं और पैदावार हासिल करें। वो उनको बरकत देता है और वो बहुत बढ़ते हैं और वो उनके चौपाइयों को कम नहीं होने देता। फिर जुल्मों तकलीफ़ और गम के मारे वो घट जाते और पस्त हो जाते हैं। वो उम्रा पर जिल्लत उंडेल देता और उनको बहरा वीराने में भटकाता है, तो भी वो मोहताज को मुसीबत से निकाल कर सरफराज करता है और उनके ख़ानदान को रेवड़ की तरह बढ़ाता है। रास्तबाज ये देखकर खुश होंगे और सब बदकारों का मुंह बंद किया जाएगा। दाना इन बातों पर तवज्जो देगा और वो खुदावंद की सपकत पर गौर करेंगे। और आज के वीडियो का आज का जबूर ये 108 पढ़ेंगे, दुश्मनों के खिलाफ मदद के लिए दुआ। ऐ खुदा मेरा दिल कायम है, मैं गाऊंगा और दिल से मदरसराई करूंगा। ऐ बरकत और सितार जागो, मैं खुद भी सुबह सवेरे उठूंगा। ऐ खुदावंद मैं लोगों से तेरा शुक्र करूंगा, मैं उम्मतों में तेरी मदरसराई करूंगा, क्योंकि तेरी शफ़क़त आसमान से बुलंद है और तेरी सच्चाई अफलाक के बराबर है। ऐ खुदा तू आसमानों पर सरफराज है हो और तेरा जलाल सारी ज़मीन पर हो। अपने दाहिने हाथ से बचा और हमें जवाब दे ताकि तेरे महबूब बचाए जाएं। खुदा ने अपनी मदूसियत से ये फरमाया है, मैं खुशी करूँगा, मैं सिक्कम को तेरे तकसीम करूँगा और सुकात की वादी को बांटूंगा। जिल आद मेरा है, मनसी मेरा है, इफ्राइम और मेरे सिर का खुद है, यहूदा मेरा और अस्सा मेरा है, वह मुआ मेरी चिलमची है और अदोम पर मैं जूता फेंकूंगा। मैं फिलिस्तीन पर ललकारूंगा, मुझे उस तहसीलदार शहर में कौन पहुंचाएगा, कौन मुझे अदोम तक ले जाएगा। ऐ खुदा क्या तूने हमें रद्द नहीं कर दिया, ऐ खुदा तू हमारे लश्करों के साथ नहीं जाता, मुखालपित के मुकाबले में हमारी मुकुमक कर और हुक्ने इंसानी असस है। मुखालिफ के मुकाबले में हमारी कुमक कर, क्योंकि इंसानी मदद अबस है। खुदा की दौलत पर दिलावरी करेंगे क्योंकि वही हमारे मुखालफों को पालता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। आप सब बने रहिए हमारे साथ और लुफ्त उठाइए उर्दू बाइबल का।